26 जनवरी के मौके पर देश भर में जहां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं दिल्ली के सड़कों पर कोहराम छाया रहा। लाल किले पर तिरंगा हटाकर लाल पीले काले झंडे लगाए गए। पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आइए जानते हैं किस पर आम आदमी की क्या सोच है, उनकी क्या राय है। I myself was supporting the farmers' protest. They were protesting peacefully then, but it's becoming frightful now. Then that's scary for the nation as well as the thought-provoking youth who is there in the nation to create ideas and thoughts that will be beneficial for the nation. But the incidents that happened is somewhere very wrong and is bad. And will create a very insightful image as an Indian. पूर्णतः निंदनीय है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी न्यायिक जांच की मांग करती है। लाल किला जो है देश के स्वाभिमान का प्रतीक, उसकी हिफाजत करना भारत के हर नागरिक का दायित्व है। लेकिन इसी के साथ यह भी करना है कि आप देखिए कि जो झंडा फहराने में शामिल है उसमें उसकी तस्वीरें किसके साथ आ रही है, सनी देओल के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ। यह कहीं न कहीं साबित करती है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीय पर्व के दिन एक तो उनको आंदोलन नहीं करना चाहिए और दूसरे राष्ट्रीय झंडा का अपमान करना वो तो राष्ट्र विरोधी है। और जो जो इन्होंने काम किया है उनको चिन्हित करके राष्ट्रद्रोह का केस उन पर चलना चाहिए, उससे कम नहीं। जहां बैठे हैं धरना पर वहां पोस्टर बैनर वगैरह सब कुछ आपका खालिस्तानी का आपका, तो ये राष्ट्र विरोधी है ना शक्तियाँ। और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के किसानों को बरगला कर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे तो साफ जाहिर हो गया कि जो लाल किला पर है राष्ट्रीय ध्वज पहरा हुआ है और राष्ट्रीय ध्वज को उतार कर खालिस्तान का झंडा पहराना या जो ये करना, इससे साबित है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ इसमें शामिल है। ये देखिए 60 दिन मोटा मोटी 2 महीना इस आंदोलन को चलते हुए हो गया, तो पहले 15-20 दिन तक उसमें किसानों का समावेश था, उसके पश्चात इसमें पूरी तरह से उग्रवादी अपराधी और इन लोगों का समावेश हो गया। ये आंदोलन किसानों के हाथ से छूट करके ऐसे लोगों के हाथ में आ गया और उन लोगों ने जानबूझ करके 26 जनवरी का दिन, मान लीजिए एक हमारी मान और सम्मान का दिन है, उस दिन कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार का जो हिंदुस्तान का आदमी है, भारत का आदमी है, वो तो कम से कम ऐसा नहीं करेगा कि जो सबसे बड़ा पर्व देश का है उस दिन हम लोग जानबूझ करके खुंडक निकालेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन्होंने जानबूझ करके उस दिन किया और बहुत भारी उन्होंने वहाँ पर गलती की है और तोड़फोड़ की है, लोगों के साथ मारपीट की है, तलवार भाला बरछा लाठी लेकर के, ये एकदम देश के का अपमान हुआ है और इन लोगों को ऊपर कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलनी चाहिए, इनका बहिष्कार होना चाहिए, बल्कि इनको देश से निकाल देना चाहिए। जो ये मजदूर नेता हैं इनको इन्होंने सोच समझ करके ऐसा किया है कि इसमें राष्ट्र विरोधी शक्तियां सिर्फ किसानों के नाम पर आंदोलन करके राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारत सरकार ने किसानों के बारे में जो जो एक्ट पास किया है 3, उसके बाद कहीं कोई नहीं सबसे राय मशवरा लेकर उस पर भी भारत सरकार ये करने की कि कहां कहां आपका कमी नज़र आ रहा है उसको हम बदलने के लिए तैयार है। अड़ियल आपका आंदोलन करना, इससे साफ जाहिर है कि राष्ट्र विरोधी तत्व इसमें उनका षड्यंत्र है और उसमें शामिल है।
If there are people who are trying to make a peaceful protest, there might be people who are trying to degrade that protest. So I think if there are people who are provoking and trying to please Pakistani people, or they are trying to imbibe the thing that we may call that, they are trying to get baghi or whatever repel. So I think it's there are group of people there, they are all together in the protest only. We cannot raise our finger or question to the entire group. I guess there are partitions, there are groups. Someone is trying to get it into a peaceful thing and alter the form that has been made. And there are people as well in the protest who are trying to degrade it and create a bad impact on the nation, to the people in the nation, and to the youth as well. किसान जो है, जो अन्नदाता है, जो फसल उपजाता है, फसल बारिश होने के बाद भी और अधिक बारिश होने से उसका फसल सड़ जाता है, बारिश नहीं होने से उसका फसल सूख जाता है, उसके बाद भी उसके अंदर धैर्य होता है कि अगले साल वह फसल लगाता है। और ऐसे धैर्यशील जो किसान है उस पर इस तरीके का आरोप लगाना, यह सत्ता की साजिश का यह एक नतीजा है। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट तौर से मांग करती है कि यह जो झंडा लगाया गया उसकी न्यायिक जांच हो कि भाई यह जो है, यह बलवा जो वहां किसानों का हुआ, इसको उकसाने में किन लोग शामिल है और पुलिस की कितनी भूमिका है, इसको भी इंगित करने की जरूरत है।